नबी की पहचान और नबी की मार्फत में सबसे अहम चीज हिकमत है। इसलिए मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को मैं नबी इसलिए नहीं मानता कि उसके नाम हिकमत, छोड़ो उसके पास तो आप कॉमन सेंस नहीं है, आप उसको मुझे नबी मानने के लिए कह रहे हैं। अल्लाह के बंदे, नबी माने वो जिसका दिमागी पहलू हल्का है, जिसका दिमाग अभी काम कर रहा है मेरे जैसे बंदे का, वो तो सरकश और बागी है। सिर्फ नबी के पास एक नकेल होती है जो फलसफी सरकश बागी अकल को लगाम दे ले, ये सिर्फ नबी के पास होती है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ने को दिल करता है, इसलिए नबी अलैहिस्सलाम की मैं नाते पढ़ता हूं, इसलिए मैं हजूर के लिए अपनी जिंदगी को यहां पर लगाकर बैठा हूं, इसलिए मेरा नबी से मोहब्बत और प्यार है, इसलिए मैं नबी की नाते पढ़ता हूँ, इसलिए नबी के रोजे को देख देख के वारी सदके कुर्बान जाता हूँ। मैं जब हजूर को मदीना शरीफ में जाता हूँ, मुझे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो रोजा अनवर जो है, वो जो रसूलुल्लाह का घर है, बैतुल्लाह जो नबी बैतुल रसूल है, वो जब मैं जाता हूँ तो वो एक अजब कशिश के साथ मुझे पूरी कुव्वत के साथ अपनी तरफ खींच लेता है। और जब तक जवारे रसूल में रहता हूँ, मुझे दुनिया का कोई गम, कोई फिक्र, कोई हम, कोई हुजन, कोई परेशानी, कोई दुख मुझे महसूस ही नहीं कभी आज तक हुआ, मुझे पता ही नहीं लगा कि ये कुछ दुनिया भी है कि नहीं है। बस वो रसूल से प्यार करने का मतलब सिर्फ मेरा एक है, अल्लाह की तो छोड़ देना, वो तो हद से बाहर हो गई बात, वो तो नहीं बात हमारी हद में नहीं, अदराक में नहीं, हमारी पहुंच में नहीं खुदा, लेकिन रसूल अदराक में है, पहुंच में है, सब कुछ है, मगर रसूल ऐसा अदराक में है कि उस अदराक का भी हमें कोई अदराक नहीं, और ऐसा पहुंच में है कि जिसकी पहुंच को कोई पहुंच नहीं सकता, वो एक ऐसी जगह पर रसूल। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम से मेरी मोहब्बत इसलिए कि मेरे नबी ने मेरी सरकश और बागी अकल को, मेरे गुमराह दिमाग को, जो घूमने वाला दिमाग है, उसको मेरे नबी ने नकेल पहनाई है, वो उसको जेर किया है रसूल ने अपने इल्म के जरिए से, अपनी दनाई के जरिए से, अपनी हिकमत के जरिए से। नबी ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं उसको नबी मानूं, मैं उसको रसूल मानूं, मैं उसको मुक्तदा मानूं, मैं उसको इमाम मानूं, मैं उसको पेशवा मानूं, मैं उसको हादी मानूं, अपनी मां बाप, अपनी औलाद, अपनी जान, अपना सब कुछ उससे ज्यादा उसे मोहब्बत करूं, ये मेरी मजबूरी है, काशिफ अली की मजबूरी है। मैंने कोई रसूल से कोई नस्ली ईमान नहीं, मेरा रसूल के साथ नस्ली मोहब्बत नहीं कि मेरा दादा प्यार करता था मुझे भी प्यार करना चाहिए, मेरा बाप करता था मुझे प्यार करना चाहिए, मेरी माम नहीं, नबी से मेरा ब्राह रास्त मोहब्बत है। रसूल ऐसा है कि वो चाह जाए, रसूल ऐसा है कि उसके पीछे जाया जाए, रसूल ऐसा है कि उसको चूमा जाए, रसूल ऐसा है कि उस पर सदके हो जाऊं, रसूल ऐसा है कि उस पर वारी हो जाऊं, रसूल ऐसा है कि उस पर कुर्बान हो जाऊं, जब वो मुझे बुलाए मैं वहां पर जाऊं, और जहां वो मुझे कह दे कि यहां पर तुम नजर नहीं आने चाहिए, वहां मुझे नजर नहीं आना चाहिए, ये मेरे नबी की अथॉरिटी है मेरे लिए। अगर मेरा नबी, मैंने ये गुनाह होता ही उस वक्त है कि जब आप रसूल को अथॉरिटी नहीं मानते हैं, आपका नबी कहता है नहीं अबू बकर को यहां नजर नहीं आना चाहिए, नहीं यहां कामरान को नजर नहीं आना चाहिए, ये उमर को और फरूख को, ये शुएब को नजर नहीं आना चाहिए जगह पर, और तुम सब मुझे वहां पर नजर आओ, कल मैं महाज पर किसी पर तुम्हें बुलाऊं तो कुन अबी खैसमा, तुम अबू खैसमा की तरह वहां पहुंचो कि रसूल का एक सहाबी एक गजवे में पीछे रह गए किसी वजह से, तो लोगों ने एक तवील सफर के बाद रसूल को जाकर यह कहा कि आपसे तो वो बड़ा प्यार करता था अबू खैसमा, तो अब अबू खैसमा आया तो है नहीं आपसे, तो नबी अलैहिस्सलाम के दिल में ये उसने इस्तराब पैदा किया। रसूल को पता था बंदा खरा है, मेरे वजह क्या हुई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब गर्दोगवार उड़ता हुआ देखा तो नबी ने कुछ नहीं कहा, बेसाख्ता रसूल के मुंह से जो निकले वो हक है, जो खुद रसूल बताए वो भी हक है, मगर बेसाख्ता जो निकल रहा है ना वो रसूल की तमन्ना है, तो रसूल ने कहा कुन भी अभी खैसमा, अल्लाह करे अबू खैसमा ही क्यों ना हो। तो आप अबू खैसमा अगर होंगे कि इतना आप रसूल को चाहें, इतना रसूल चाहें कि इतना अबू खैसमा ने रसूल को चाहा, इतना चाहा, इतना अपने नबी से प्यार किया कि रसूल्ला ने कहा अबू खैसमा ही हो, अल्लाह करे इस गर्दोगबार के पीछे अबू खैसमा की शक्ल नजर आए, वो आ गए रसूल्ला के सीने से लग गए आके, वो एक अलग दास्तान है। आप में अगर अबू खैसमा बनने की सलाहियत ही नहीं कि आपका नबी आपको ये कहे, तो आप छोड़ देना तकलीद अपने नबी की,
अपना माने ऐसे नबी को जो नबी आपने लोगों के कहने सुनने पर माना है वो नबी नहीं आपका हो सकता। आप उस पर जान कुर्बान कर ही नहीं सकते। आप नमाज फजर के लिए उठ सकते ही नहीं, आप तहज्जुद के लिए उठ सकते ही नहीं। मेरी तहज्जुद में आंख इसलिए खुल जाती है अल्लाह के खौफ से, तो भला खुलती खुलती हो, पर असल में आपको कई दफा बताता हूं कि मैं ज्यादा मरतबा यही सोचकर उठ गया कि इस वक्त रसूलुल्लाह जाग रहे थे, मेरे नबी इस वक्त रो रहे थे उम्मत के लिए, हजूर जाग रहे थे, मेरा सोना बनता नहीं है काशिफ। ये एक गैरतमंद, एक मोहब्बत करने वाले, दावे वाले का बिस्तर पे लेटना बनता नहीं। तो इसलिए मैं चाहे कितना ही बीमार क्यों ना हो और हिल भी ना सकूं, मैं अपने बिस्तर ही पे लेटा लेटा जो है वो दो एक रखते पढ़ लेता हूं कि अगरचे मेरे प्यारे रसूल मुझ में जान नहीं है लेकिन वल्लाही मैं झूठा नहीं हूं, मैं आपसे मोहब्बत करने में बेईमान भी नहीं हूं और लॉयर भी नहीं हूं और मैं कनिंग भी मकार नहीं हूं। मैंने आपको प्यारे पैगंबर यूटिलाइज नहीं किया है दुनिया के अंदर अपने आप को सेव करने के लिए, आपके दीन को बेचने के लिए मैंने आपको यूटिलाइज नहीं किया। वल्लाह मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं और दिलो जान से प्यार करता हूं और पूरी रूह की सरशारी के साथ प्यार करता हूं। ये रसूल है, ये वो रसूल है, युअल्लिमुल किताबा वल हिक्मा, जो हिकमत का इल्म देता है आकर के, और सिर्फ ये देता है उसको जो एक सोचने वाला आदमी होता है, जो एक तदब्बुर करने वाला आदमी होता है, जो एक फिक्र रखने वाला आदमी होता है, जिसको अपनी जिंदगी के बारे में परेशानी लगी रहती कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं और मैंने किधर को जाना है। जो ये अप्रोच और सोच रखता है वही सिर्फ, और जब रसूल उसको बताता है कि तुम वो हो और तुमने इधर को जाना है, ये तुम्हारी पहचान है, ये तुम्हारी मार्फत है, ये तुम्हारी शिनाख्त है, ये तुम्हारा रास्ता है, इस तरह से जाओगे तो तुम कामयाब हो जाओगे, इस तरह से जाओगे तो नाकाम पाए जाओगे, जहन्नुम का ईंधन बन जाओगे, तुम्हें बचाने के। ये वो एहसान वो नबी का जो अपनी किताब के जरिए के बाद अल हिक्मा के जरिए से बंदे को बताता है। इसलिए नबी आए दाइये हक हो और वह आपको अल हिक्मा ना दे, मुनाजरे पर लगा दे आपको, आपको इंटरनेशनल नंबरों पर लगा दे, वो आपको रंग रंग की चीजों पर लगा दे, वो कैसा आपका दाइये हक है। दाइये हक की सिफत है, ये मेरी बात जहन में रख लीजिए, कि वो उस वक्त नबी का नायब बनकर सच्चा हक का दावत देने वाला तब गिना जाएगा जब वो पूरी हिकमत के साथ लोगों को अपने दीन की तरफ बुलाएगा।